क्या एकांश एक बुरा शो है? तो मैं आज एकांश के न्यू सीजन यानी कि सीजन 5 के बारे में सोच रहा था। अब मैं एकांश के सीजन 5 के बारे में इसलिए सोच रहा था क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स आए थे जिनमें से आप लोगों ने पूछा था कि क्या एकांश की क्वालिटी कम हो गई, इसकी स्टोरी एनिमेशन के साथ साथ। इसके अलावा ये कुछ कमेंट आए थे कि एकांश का सीजन 5 बहुत ही बेकार है। इस वीडियो में हम यही फाइंड आउट करेंगे कि एकांश का सीजन 5 क्या सचमुच बेकार है। थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए साउंड क्वालिटी थोड़ी बेकार हो सकती है, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहना। तो अगर आप एकांश रिलेटेड कोई भी टॉपिक पर वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, या फिर कोई और अदर टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एकांश के सीजन 5 के एनिमेशन की क्वालिटी ऐसी है। जो क्लिप आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो एकांश के सीजन 5 के एक एपिसोड की एक क्लिप है। तो आप इसमें देख ही सकते हैं कि इसकी एनिमेशन की क्वालिटी कहीं बेकार नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि कुछ चीजें इम्प्रूव ही हुई है। इससे पहले के सीजन और पांचवें सीजन के एनिमेशन की क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि इसके सीजन 5 के एनिमेशन तो अच्छा है। पता नहीं एनिमेशन क्वालिटी बेकार है ये कमेंट करने वाले क्या सोचकर कमेंट कर रहे थे। तो एनिमेशन की क्वालिटी तो अच्छी है, जो कि मुझे पहले सीजन से ही काफी ज्यादा अच्छी लगी। तो मैंने आपको अपनी अदर वीडियोस में भी बताया है, ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कार्टून शो में से एक है जिसकी एनिमेशन क्वालिटी भी अच्छी है। तो अब बात कर लेते हैं एकांश के सीजन 5 की स्टोरी और उसके कैरेक्टर्स के बारे में। तो किसी भी कार्टून शो के लिए जितना जरूरी उसका एनिमेशन का अच्छा होना है, उतना ही जरूरी उसकी अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग या स्टोरी का होना है। तो एकांश के पहले सीजन के कई लोगों की कंप्लेन रही है कि एकांश की स्टोरी में एपिसोड्स कनेक्टेड नहीं है, साथ ही इसकी स्टोरी मोस्टली मैच्योर ऑडियंस पसंद नहीं करती है, जो कि सही भी है। लेकिन एकांश के मेकर्स का मेन टारगेट इट्स ऑडियंस के साथ साथ टीनेजर ऑडियंस भी है। लेकिन मोस्टली लोग नारुतो, वन पीस जैसे एनिमेस देखते हैं जिनकी स्टोरी एनिमेशन सब कुछ इंटरनेशनल लेवल की है, जो कि काफी ज्यादा मैच्योर ऑडियंस के लिए है, ना कि केवल किड्स के लिए, बल्कि बड़े ऑडियंस भी इसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इन एनिमेस को टीनेजर्स भी देखते हैं और बूढ़े लोग भी। तो इन जैसे एनिमेस से इनका एकांश का कंपैरिजन करना उतना सही नहीं होगा, लेकिन आप इससे जरूर देख सकते हैं कि इंडियन कार्टून इंडस्ट्री अभी कहाँ है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। इस तरह की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार उसे जरूर चेकआउट कर लेना। तो हम एकांश की स्टोरी की बात कर रहे थे, तो मैंने भी एकांश के सीजन 5 के कुछ एपिसोड देखे और फिर सीजन 1 और सीजन 2 के कुछ एपिसोड देखे, तो जिससे मुझे ये लगता है कि एकांश के सीजन 1 के एपिसोड की स्टोरी ज्यादा अच्छी स्टोरी सीजन 5 की है, यानी कि एकांश के सीजन 1 की स्टोरी से ज्यादा अच्छी सीजन 5 की स्टोरीज है, जिसमें हमें कई सारे एपिसोड इंटरकनेक्टेड भी देखने को मिले हैं। सो इससे क्लियर हो जाता है कि एकांश का न्यू सीजन अपने पिछले सीजन से काफी ज्यादा अच्छा है और ये ज्यादा इंप्रूव ही हो रहा है। सो अगर आप भी ये सोचते हैं कि एकांश की क्वालिटी खराब हो रही है तो आप गलत हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी और टॉपिक में वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बता देना।